रिम बरिम दियर व्यूर्स असल वरिया वर्का मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी आज हम जिस मौजुआ पर बात करेंगे वो इस्लाम का रियासत के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे यानी इस्लामिक कॉन्सेप्ट आफ स्टेट द कॉन्सेप्ट आफ इस्लामिक स्टेट लेकिन इससे पहले कि मैं इस्लामिक स्टेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बात करूं मैं उससे पहले इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करूंगा कि वो कौन सा सिस्टम है जो इस्लामिक स्टेट में पवेल करता है या इस्लामिक स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी स्टेट को इस्लामिक या अन इस्लामिक कर सकते हैं इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम को इस्लामिक पॉलिटी कहते हैं पॉलिटी इज़ एन आर्गेनाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट Which is placed higher than democracy in status. It is better system of government uh, than the democracy. This yani a system of government, which is democratic system, system. Aristotle the polity is a form of government in which the supreme power is being vested in the hands of the people and used by them for the common good. When the polity becomes perverted, इट इज सब्सिट्यूटेड बाई डेमोक्रेसी रस्तु क्या कहता है पॉलिटी को बेहतरीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहता है और वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो हैं, उनके जरिए चलाया जाता है और जब ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, अपनी उस पावर का जो लोगों की तरफ से उनको दी जाती है उसका मिस यूज करते हैं तो देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेसीला पॉलिटीज बाई द्ला पोलिटिकल जिसकी बात रेस्टोटल कर रहा है अगर उसको हम इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम हैं और इस्लाम के जो कुरान और सुन्ना के हवाले से हैं उसके पैरामीटर्स में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैन दैट पार्टिकुलर सिस्टम विल बी कॉल्ड इस्लामिक पॉलिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट Islamic quality, the concept of Islamic polity is first conceived uh, by the Holy Prophet when he established the first Islamic State in Medina. And it was this system was further uh, flourished by the four right-guided caliphs. दे इस्टबलिश मैनी डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड ट्रोडिशन विच आर नॉट लेस दैन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी ये जो उस दौर में नबी करीम सल्हस ने रियात मदीना में जो इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम जिसको इस्लामिक पॉलिटी कहा जाता है उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर जो खुलफाए राशद हैं जो राइट गाइडेड कैलिफ्स हैं उन्होंने उस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया तो उस सिस्टम में जो वैल्यूज और जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई जो ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई वो आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम से किसी तौर पर भी कम नहीं बल्कि उससे बेहतर है ऑल द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लामिक क्वालिटी एंड आर डिराइड फ्रॉम द होली कुरान एंड सुन्ना जितने भी इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम की वैल्यूज़ हैं हैं जो जिसके तहत ये सिस्टम चलाया जाता है वो सारी की सारी कुरान करीम और सुन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंसीव की गई हैं एंड द प्रैक्टिस ऑफ द राइट गाइडेड कैलिप जहरी बात है जो इस्लाम के फंडामेंटल सोर्स ऑफ ला हैं जिनमें कुरान है जिनमें सुन्ना रसूल वसलम है जिनमें राइट गाइडेड कैलिप्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस हैं तो उसी हवाले से ही ये सिस्टम जो है होता है और हम इसकी जो तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जहाँ से हम अखज़ करते हैं वो कुरान है वो सुनना है और वो राइट गाइडिंग कैलिय जो हैं उनकी है उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस हैं इस्लामिक पॉलिटी मीन्स द किंगडम ऑफ गाड वेयर विच इज़ जनरली मिसअंडरस्टूड इन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड यानी इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम इस्लामिक पॉलिटी कहते हैं इसको वेस्टर्न जो कम्युनिटी है पे जो कभी डॉर्ज में जो थियोक्रेटिक स्टेट्स हुआ करती थी और उस, उनका जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगलीसिडर किया जाता है हालांकि इस्लामिक पॉलिटी इज इस टोटली डिफरेंट फ्रॉम थियोक्रेसी थियोक्रेसी ज देंट ऑफ एक्सरसाइजिंग दिन चेक पावर इन देश गाड वाई द्लामिक गवर्नमेंट ऑफ द होल मुस्लिम कम्युनिटी होल मुस्लिम उमा विच रन द स्टेट इन अकॉर्डिंग बुक ऑफ गाड एंड दुन्ना प्रॉफिट फर्क क्या है इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम जो है इसमें जितने भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो कुरान और सुन्ना की सूरत में हमें दस्तियाब हैं और जो रूलर है जो खलीफा है उसने कुरान और सुन्नत के पैरामीटर्स में रहते हुए उन, उन, उन उनको अप्लाई करना है और रियासत का सिस्टम चलाना है वो न खुद लजस्लेटर है वो लजस्लेशन भी नहीं कर सकता वो कुरान और सुनत के मनाफी कोई कानून नहीं बना सकता और ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड टू दाड यानी वो एट द सेम टाइम लोगों के सामने भी जवाब दे हैं और अल्लाह इज़्ज़त के सामने भी जवाब दे है डुअल कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है जबकि थियोक्रेटिक स्टेट जो है उसमें जो प्रीस्ट क्लास थी वो अपने आप को खुदा का रिप्रेजेंटेटिव तस्वर करती थी और जो उन वो समझते थे कि जो हमारे अल्फाज हैं जो हम कहते हैं दीज आर दर्ड्स आफ दल्लाइटी और जो इन आ, जो हमारे अहकाम की पैरवी नहीं करेगा उसका मतलब ये लिया जाएगा कि ही इज़ आर डिसंग दर्डर्स आफ दल्लाह आल माइटी और जहरी बात है जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी नहीं करता उसकी सजा फिर आप समझते हैं सो so, वो खुदा के नाम पे अल्लाह के नाम पे आ, जो उस रियासत अख्तियार है उसको इस्तेमाल करते थे लेकिन करते अपनी मर्जी थे लेकिन इस्लामिक स्टेट में ऐसा नहीं है इस्लामिक स्टेट में हमें कुरान और सुन्नत की सूरत में रूल्स एंड रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट दस्तियाब है और रियासत को हुक्रान उसकी यहमेदारी है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक स्टेट में वो इम्प्लीमेंट करे और न सिर्फ लोगों पर बल्कि उसकी अपनी जात पर भी वो रूल इसी तरह इम्प्लीमेंट होता है और उसमें कोई डिस्टिकशन नहीं है कि किसी आ, प्रीस्ट क्लास के लिए तो वो रूल और है और उस पर एप्लीकेबिलिटी उसकी और तरह से है और जो मस्किन हैं जो गरीब हैं जो कमजोर हैं उनके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो और तरह से है एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ दैट इज द रूल ऑफ द इस्लामिक स्टेट इट इज़ डिवाइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज द रूलर्स हैव गिवन द लिमिटेड सॉवरिटी अंडर दिटी ऑफ अल्लाह आलमाति ये कोई खुद मुख्तार रूलर नहीं है ये इसको जो इख्तियार दिया गया है वो चेकड है उस पर अल्लाह रबुल्जत की जो जो सिस्टम ऑफ चेकिंग है वो इन्वाल्व है और ये अल्लाह के अकाम की, की पैरवी करते हुए और उनके ताबे रह के ही वो इख्तियार को जो डेलीगेटेड पावर है उसके पास इस्लामिक स्टेट के रूलर के पास उसका वो इस्तेमाल करता है वो आल एंड आल नहीं है उस, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता द रूलर इज इलेक्टेड बाई विल ऑफ़ द द् एंड ऑल द द मैटर्स ऑफ स्टेट आर सेटल्ड सेटल्डिव ओपिनियन अमंग द मुस्लिम्स यानी तमाम रियासत के जो मामलत हैं वो रूलर अपनी मर्जी से उनको उनको नहीं करता बल्कि मशावरत से कंसेंसिस से लोग जो हैं रियासत के जो लोग हैं उनके साथ बायदा मशावरत होती है उनके कंसेंसिस थे मुसलमानों के कंसेंसिस के साथ रियासत के मामलों का हल निकाला जाता है इन पॉलिटी द कमांड्स ऑफ अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल अलाम आर अवेलेबल द गाइडेंस ऑफ द मुस्लिम लीडर्स लजिसटर्स एंड स्कॉलर्स वो फॉर्म एनी जजमेंट इन ऑफ़ द कुरान एंड सुन्ना यानी अल्लाह इज़्ज़त के जो अकाम हैं वो कुरान और सुन्नत की सूरत में तमाम मुसलमान लीडर्स को लेजस्लेटर को जो लॉ मेकर्स हैं उनको और स्कालर जो इस्लामिकर हैं या जो पॉलिटिकल स्कॉलर इन इस्लाम हैं उन सब के लिए वो गाइडलाइन कुरान और सुन्नत की सूरत में मौजूद है इस्लामिक पॉलिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ विच आर डिस्टिंगटिव कैरेटरस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लाम का वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो रसूल करीम वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें बहुत ज्यादा ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी उसकी वैल्यूज हैं जो आज मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की वैल्यूज हैं और वो उनको अडाप्ट किए हुए फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक पॉलिटी हैज़ ग्रंटेड सर्टन बेसिक राइट्स टू द पीपल ऑफ द इस्लामिक स्टेट फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड इंप्रिजमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी Freedom of assembly and association, freedom of religion and teaching, freedom of protection of life and property, right of voting and elections. I examples. Otherwise, there are other rights that the Islamic State provide Many other democratic ideals and institutions were also established by the Islamic State of Medina. वो इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम जो रसूल करीम ने और आप आ, के खुलफाए राशिदीन ने इंट्रोड्यूस करवाया उसने और भी बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक आइडियल जो हैं और इंस्टीट्यूशन उनको मुतारफ़ करवाया फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड शूरा हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए इलेक्शन करना और इलेक्शन के जरिए हेड ऑफ़ द स्टेट का इंतजाम करना और शुरा के जो मेम्बर्स हैं जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं जो लेजिस्टर्स हैं उनका इंतबाब ये इस्लामिक जो प्रिंसिपल है और ये उस दौर में रसूल करीम दौर, राशिदीन के दौर में भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है जो अकूव का कॉन्सेप्ट है दैट इज आल्सो तमाम मुसलमान जो हैं वो इस्लामिक स्टेट के अंदर हूं या बाहर हूं वो तमाम भाई भाई है इसी तरह दी इंडिविजुअल लिबर्टी शख्सी आजादी इंफरादी आजादी का कॉन्सेप्ट इसी तरह टॉलरेशन टॉलीशन बर्दाश्त का दूसरों के दूसरों की बात को बर्दाश्त करना ख़ास तौर पे दूसरे मज़हब को इस्लामिक स्टेट में बर्दाश्त करना और उनके उनकी जो उनके जो राइट्स हैं उनका तहफुज करना ये इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी है पोवीन ऑफ जस्टिस जस्टिस फ़ॉर ऑल तमाम लोगों के लिए चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों जिम्मीज़ हों या वो मुसलमान हों बिलीवर्स हों उन सब के लिए इंसाफ़ की दस्तियाबी और सस्ता इंसाफ़ और फौरी इंसाफ़ ये रियासत इस्लामी इस्लामिया की ही देन है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये जो पावर्स की सेपरेशन है यानी एग्जैक्टिव जुडिशरी और लजिसलेटर ये तीन लेजिस्लेशन जो है ये तीन जो इंस्टीट्यूशन हैं ये किसी भी गवर्नमेंट के इनके दरमियान जो पावर्स हैं उनकी सेपरेशन गोया इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो है वो एग्जैक्टिव और लेजिस्ले, लेज, लेजिस्लेटर्स हैं उनके दबाव से आज़ाद हो और इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन कर सके सो so ये कॉन्सेप्ट जो है ये रियासत इस्लामिया का कॉन्सेप्ट है प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पब्लिक वेलफेयर दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट कैटरिस्टिक इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम के ना सिर्फ इनफरादी बल्कि जो वेलफेयर है उसके लिए काम करना इन इस्लामिक पॉलिटी द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज वेरी सिग्निफिकेंट ये जो हेड ऑफ़ द स्टेट है ना इसका इसका इलेक्शन ये बड़ा सिग्निफिकेंट है ये और किसी भी यानी रिसल सल वसल्लम से पहले और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ़ स्टेट जब इस्टेब्लिश हुआ मदीना में या मदीना की जो रियासत इस्टेबलिश हुई तो उससे पहले हमें इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि किसी कभी किसी हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उसको इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट किया गया ये इस्लाम का खास है और लोगों की विल और कंसेंसेस से ही हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उसका इंतखब किया जाता है

वो मुख्तलिफ हो सकता है बट ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले बयान किए हैं ये एज इट इज प्रिंसिपल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ इज मस्ट यानी हमें सारी बहस जो हैड ऑफ द स्टेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उससे हम जो नतीजा निकालते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट का इंतखा होगा वो बगैर इंतब के उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता इंतखब होगा यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ हटी इज़ निगेट यानी ये जो बादशाह का सिस्टम होता है जिसमें जिसमें एक बादशाह का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा जैसे नस्ल दर नस्ल बगैर किसी मेरिट के और बगैर किसी कंडीशन के वो एक बादशाह का बेटा बादशाह बनता है फिर उसका बेटा तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम ने उसको निगेट किया है और अगर आप रसूल करीम करीमल वसल् से लेके गफ़ा राशिदीन के, के पीरियड तक अब सारे इस अरसे में देखें तो कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी नजर नहीं आएगा तीसरी बात ओनली कैपेबल मुस्लिम गुड करेक्टर कैन बी इलेक्टेड फॉर दिस ऑफिस सिर्फ वो मुसलमान यानी हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं सिर्फ वो मुसलमान जो वो मतलूबा क्वालिफिकेशन रखता है जो हेड ऑफ द स्टेट के लिए होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन हम आगे देखेंगे आ, पीछे भी एक मैं लेक्चर जो खिलाफत के हवाले से मैंने दिया था उस लेक्चर में भी वो सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं हेड ऑफ़ स्टेट की और फिर वेरियस मुस्लिम जो पोलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं अलमादी है गजाली है इसी तरह शाह वली हैं और इसी तरह दूसरे जो मुसलमानफक्न हैं और स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो एक रूलर की करेक्टरिस्टिक्स इस्लामिक जो खलीफा है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स बयान की हैं वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की तो जो भी उन करैक्टरिस्टिक्स पे पूरा उतरता है जो जिस शख्स में भी वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं किसी ने उसको अठारह गिनवाया किसी ने बारह गिनवाया है तो बहरहाल जो भी हैं वो सारे के सारे जिसमें हैं वो शख्स चाहे वो उसका कोई भी आ, किसी भी कौमियत से वो ताल्लुक रखता तो कौमीत का मतलब ये है कि वो कुरैशी हो वो सैद हो वो किसी भी जात से उसका तल्लुक हो जो हमारी पेशों के हवाले से ज़्याें होती हैं तो किसी भी तबका फ़िक्र से उसका तल्लु हो लेकिन अगर वो करैक्टरिस्टिक्स रखता है वो बिलीवर है वो तमाम इसके अलावा बाकी तमाम करेक्टरस्टिक्स जो इस्लामिक स्टेट के रूलर में होनी चाहिए वो उसमें मौजूद हैं तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है सो तो यहाँ तक मैंने ये एक 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 जो इस लेक्चर का एक हिस्सा है वो मैंने यहाँ तक करना है और इसमें हमने वो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के जो मेजर जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसकी जो उसकी जो खसूसियात हैं वो मैंने आपके सामने रखी अब जो अगला हमारा दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम इस्लामिक स्टेट की वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे किसी स्टेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इस्लामिक स्टेट है या अन इस्लामिक स्टेट है या गैर इस्लामिक रियासत है तो उस रियासत के हवाले से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस्लामिक स्टेट का जो खादसा हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी हम बात